हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल सी द टॉपिक ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। आज हम समझने वाले हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जो कि लिस्टेड किया गया है 2023 में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जिसके अंदर सेवरल कंट्रीज़ की परचेजिंग पावर पैरिटी दी गई है। परचेजिंग पावर पैरिटी का जो यूनिट है वो है LCU, लोकल करेंसी यूनिट। आप इंडिया का अगर देखोगे तो LCU है 23.41 रुपीज़। क्यों रुपीज़ कह रहा हूँ? क्योंकि इंडिया का लोकल करेंसी है रुपीज़। सो इसी कंट्रीज़ की लिस्ट में से हमने दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं और समझने के लिए हमने उसको दूसरे किसी पेज पर पेस्ट कर दिया है। सो आप देख सकते हैं मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी जो है यहाँ पर कुछ 5 कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसमें इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी है 23.41 रुपीज़, लोकल करेंसी में ही लिखना होता है ये। कनाडा का जो है 1.19 कैनेडियन डॉलर्स, नॉर्वे का है 12.44 क्रोन नॉर्वे की करेंसी है, यूएई का परचेजिंग पावर पैरिटी है 2.06 AED, अरब एमिरेट दिरहम, वियतनाम का परचेजिंग पावर पैरिटी है 7500 डोंग जो है करेंसी है वियतनाम की। इंडिया का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है 23.41 रुपीज़ है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप इंडिया के अंदर एक बास्केट ऑफ थिंग्स खरीदते हो, लाइक कुछ चीज़ें आप खरीदते हो, वो सारी चीज़ें आपको टोटल इंडिया के अंदर अगर पड़ जाती है 23.41 रुपीज़ में, तो यही सेम चीज़ों का जो बास्केट है अगर आप US में खरीदने जाओगे तो आपको 23.41 रुपीज़ में नहीं मिलेगा, बल्कि 1 US डॉलर में मिलेगा। और 1 US डॉलर का एक्सचेंज रेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है करंट 82 रुपीज़ है। इट मीन्स आपको जो चीज़ इंडिया के अंदर मिल जाएगी 23.41 रुपीज़ में, वही सेम सारी चीज़ें अगर आपको US में खरीदनी हो तो आपको चाहिए होगा 82 रुपीज़। तो इस तरह से अगर हम देखें तो US जो है इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा है, 3 गुना से भी ज़्यादा महंगा है, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा राइट कॉस्टली है USA। अब कई सारे लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो राइट इंडिया के अंदर अर्न करते हैं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, उनकी सैलरी होती है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, और वो शिफ्ट कर जाते हैं US के अंदर क्योंकि US के अंदर उनको सैलरी थोड़ी इंक्रीज होकर मिलती है। मान लो इंडिया का डबल उनको सैलरी मिलता है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, US के अंदर अगर वो जाके कमा रहे हैं और जितना भी कमा रहे हैं अगर उसको इंडियन करेंसी में रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हो रहा है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। वो सोचते हैं कि US के अंदर जाएंगे सैलरी डबल हो जाएगा और ये सोचकर वो शिफ्ट हो जाते हैं USA के अंदर। लेकिन उनको ये चीज़ समझना ज़रूरी है उनके लिए कि इंडिया के अंदर जो चीज़ें मिल जाती है 23.41 रुपीज़ में, वही सेम बास्केट अगर आपको US में ख़रीदना है तो 82 रुपीज़ राइट आपको चाहिए होगा। इस तरह से अगर देखने जाए तो इंडिया के अंदर 1 लाख रुपीज़ में जो चीज़ें आप खरीदते हो, वही सेम चीज़ खरीदने के लिए US के अंदर आपको चाहिए होगा 3,50,000 रुपीज़। इट मीन्स US के अंदर आपकी 3,50,000 रुपीज़ सैलरी हुई इंडियन करेंसी के अंदर, तो ही आप US में जाना राइट प्रीफर कर सकते हो और सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप इंडिया में एंजॉय कर रहे हो, सेम चीज़ें जो आप इंडिया में खरीद रहे हो वो आप खरीद पाओगे US के अंदर भी। सो अगर किसी की सैलरी US में जाकर इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपीज़ हो रही है और वो शिफ्ट हो रहा है तो वो डिसीजन उसका रॉन्ग होगा। वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो एंजॉय इंडिया में कर रहा है, सेम चीज़ें जो खरीद रहा है इंडिया के अंदर, वो सेम चीज़ें नहीं खरीद पाएगा US के अंदर, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डिटोरियोरेट होगा। बेसिकली इस तरह से हम हर कंट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं। हम कनाडा का अगर कंपैरिजन देखें, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कनाडा का, तो अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर 1 लाख रुपीज़ में जो चीज़ें खरीद रहा है अगर वो कनाडा शिफ्ट हो रहा है और उसको सेम चीज़ें कनाडा के अंदर खरीदनी है तो उसको 3,15,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में कनाडा में राइट अर्न करना होगा, जो कैनेडियन डॉलर के टर्म्स में 5,080 डॉलर्स होगा। इट मीन्स उसकी कनाडा में सैलरी होनी चाहिए 5,080 डॉलर रुपीज़, जो कि इंडिया में बनता है 3,15,000 रुपया, तो वो खरीद पाएगा वो सारी चीज़ें जो इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए में वो खरीद सकता है। अगर हम यही कंपैरिजन नॉर्वे का देखें तो इंडिया के अंदर अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपीज़ में जो भी चीज़ें खरीद रहा है, वो सेम चीज़ें अगर वो खरीदना चाहे नॉर्वे के अंदर, तो 1 लाख रुपीज़ में उसको नहीं मिलेगी, इंडियन करेंसी के टर्म्स में उसके पास होना चाहिए 4,03,861 रुपीज़। इट मीन्स नॉर्वे में इतना रुपया राइट उसको कमाना है तो नॉर्वे में उसकी सैलरी होनी चाहिए 53,139 नॉर्वेजियन क्रोन। शिफ्ट होना चाहता है दुबई में तो इंडिया में जो चीज़ें वो खरीद पा रहा है 1 लाख रुपए में, जो भी चीज़ें अगर वो सेम चीज़ें उसको राइट दुबई में UAE में खरीदना हो तो उसको अमाउंट चाहिए होगा 1,93,600 इंडियन रुपीज़। मतलब वही सेम चीज़ जो इंडिया में उसको मिल रही है 1 लाख में, अगर उसको UAE में खरीदनी है मार्केट में जा रहा है तो उसको इंडिया के कितने रुपीज़ चाहिए होंगे 1,93,600, और उसके लिए उसको दिरहम कमाने होंगे 8,800, उसकी सैलरी वहां पे होनी चाहिए 8,800 दिरहम्स।
तो वो इंडिया के जैसी सेम लाइफ एंजॉय कर पाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पाएगा। उससे बेटर एंजॉय करना है तो उसकी सैलरी 8,800 दिरहम से भी ज़्यादा होनी चाहिए। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। थैंक यू।